दोस्तों आज इस वीडियो में देखिए जो SBI में UPI सर्विस कैसे इनेबल करना है, ठीक है। दो प्रोसेस बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आप जो SBI ऑनलाइन का जो ऑफिशियल साइट है ओपन कर लीजिए और जो इंटरनेट बैंकिंग का जो साइट है SBI का, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू टू लॉगिन और उसके बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है, ठीक है। और लॉगिन करते ही देखिए लेफ्ट साइड में आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा और प्रोफाइल को सिलेक्ट करना है। प्रोफाइल को सिलेक्ट करते ही देखिए आपको नीचे की तरफ राइट साइड में एनेबल डिसेबल अकाउंट्स फॉर UPI जो लास्ट ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है। और इसको सिलेक्ट करते ही देखिए आपको प्रोफाइल पासवर्ड देना है यहाँ पर और उसके बाद सबमिट करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर फिलहाल ये जो सर्विस है बंद है, आप बाद में ट्राई कीजिएगा, ज़रूर हो जाएगा। तो चलिए मैं दूसरा तरीका बताने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ और लॉग आउट करने के बाद जो होम पेज है SBI ऑनलाइन का, ठीक है, ये होम पेज है, पहला पेज है नेट बैंकिंग के लिए, ठीक है, SBI का। तो यहाँ पर देखिए जो कस्टमर केयर जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और इससे पहले देखिए मैं डिसेबल कैसे करना है बताया था, उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। और सिलेक्ट करते ही देखिए इस तरह का पेज ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए कस्टमर टाइप, उसके बाद आपको देना है अकाउंट नंबर, उसके बाद आपको देना है नेम ऑफ कंप्लेनेंट, ठीक है। तो जो कस्टमर टाइप में देखिए आपको तीन ऑप्शन है, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है एग्जिस्टिंग कस्टमर SBI कस्टमर, ठीक है। उसके बाद आपको देना है अकाउंट नंबर, उसके बाद आपको देना पड़ेगा देखिए नेम ऑफ कंप्लेनेंट, ठीक है, जो अकाउंट होल्डर का नाम देना है यहाँ पर। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर देना है, उसके बाद ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद आपको कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट्स, ठीक है, और उसके बाद प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, उसके बाद नेचर ऑफ कंप्लेंट। तो मैं यहाँ पर सब कुछ डाल दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेलेक्ट करना है कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो थर्ड ऑप्शन है भीम SBI पे UPI, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और भी बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है भीम SBI पे। उसके बाद प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, इसमें देखिए इनेबल डिसेबल UPI। उसके बाद देखिए नेचर ऑफ कंप्लेंट आपको सिलेक्ट करना है री इनेबल द UPI सर्विस। और यहाँ पर देखिए कुछ आपको दो चार वर्ड में लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर दो चार वर्ड ऐसा लिख दीजिए और लिखने के बाद आपको कैप्चा कोड देना है। तो दोस्तों देखिए फिलहाल मैं कैप्चा डाल देता हूँ, उसके बाद सबमिट करना है और सबमिट करते ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एक हफ्ते के अंदर आपको ये जो UPI सर्विस इनेबल का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उससे पहले हो जाएगा, दो तीन दिन के अंदर हो जाएगा। लेकिन आपको देखिए तुरंत SMS या फिर ईमेल मिल जाएगा, आपको सारी जानकारी आपको मेल में दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगता है ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सबके धन्यवाद।